Hello guys, welcome to Hello PG. This is iPhone X. ये नो पावर है उसको मैं चार्ज भी लगा रहा हूँ देखिए कुछ नहीं आता है ऑन कर रहा हूँ तो ऑन भी नहीं हो रहा है चलिए इसका सॉल्यूशन क्या है चेक करते हैं इसका प्रॉब्लम क्या है चेक करते हैं बैटरी रिमूव कर दे रहा हूँ वैसे भी हमको पहले इसके बैटरी चार्ज चेक करना है चार्ज है कि नहीं है वैसे बैटरी में बिल्कुल चार्ज तो नहीं है और मैं एक बार वैसे से मेन चेक करता हूँ उसको बीप पे रखना है हमको कंटिन्यूटी पे रख के चेक करना है अभी डायोड पे चेक करेगा वैसे देखिए जो है ना 1 साइड 3.9 आएगा नो प्रॉब्लम बट अंदर साइड भी 400 आ रहा है 409 आ रहा है 490 आ रहा है तो हमको 0.490 आ रहा है इसको हमको 1000 के ऊपर आने का है 900 1000 1300 ऐसा आने का तो इसका मतलब है इसके अंदर शॉर्ट है बोर्ड में शॉर्ट है एक बार डीसी पावर सप्लाई से चेक करते हैं एक हमको ग्राउंड लगा लेना है और एक इसमें बैटरी प्लस को गाइस ये हमको शॉर्ट दिखा रहा है हम लोग को दिखा था हमें डीसी पावर सप्लाई में तो देखिए मैंने 3.84 रखा है और अभी ये कनेक्ट करता हूँ तो ये देखिए बिल्कुल ये शॉर्ट दिखा रहा है बोर्ड शॉर्ट है क्योंकि इधर एम्स ले रहा है फुल्ली थोड़ा वोल्टेज कम करके देखता हूँ अभी 2.2 रख रहा हूँ अभी चेक करते हैं देखिए गैस अभी थोड़ा कम एम्प ले रहा है इसका मतलब इसमें कुछ शॉर्ट है अभी हमको शॉर्ट किधर है कौन क्या शॉर्ट है फाइंड आउट करना है ओके गाइस अभी पूरे सारे एक एक करके केबल रिमूव कर लेता हूँ मैं अभी इसमें से हम बोर्ड रिमूव कर लेते हैं बोर्ड सिम स्लॉट निकाल लिए ओके
Okay guys, यहाँ पर एक केबल होता है नेटवर्क का, हमको नेटवर्क केबल भी रिमूव करना है। चलिए मैंने रिमूव कर लिया है। अभी ये देखिए मदरबोर्ड है इसका, ये डबल डक्कर वाला है मदरबोर्ड है। चलिए अभी स्टिकर्स निकाल लेते हैं, सील। ओके गाइस, अभी हमको एक बार इधर जो भी ड्राइवर्स है सबको चेक करेंगे। अभी मैं एक बार इसको डीसी पावर सप्लाई कनेक्ट करके चेक करता हूँ कहीं बोर्ड हीट हो रहा है या नहीं। वैसे ये एरिया पे हीट हो रहा है, ये एरिया पे हीट हो रहा है। एक बार हम इसे स्टिकर रिमूव करके और ये शील्ड रिमूव करके हम एक बार चेक कर लेते हैं कहीं इसमें कुछ शॉर्ट है या नहीं ऐसी वगैरह।
गाइस अभी यहाँ पर जो कैपेसिटर्स है उसे हम एक बार चेक कर लेंगे कुछ शॉर्ट है या नहीं। ये देखिए गाइस ये 3 पॉइंट ये हाफ शॉट है, ये शायद लाइन पर शॉट दिखा रहा है, फिर भी हम एक बार मशीन अप्लाई करके चेक करते हैं। कर रहा हूँ बना रहा हूँ। सप्लाई देख के देखते हैं। गैस ये ऊपर तरफ तो कुछ शॉर्ट नहीं है, इसका मतलब है ये बोर्ड डिवाइड करना पड़ेगा, बोर्ड को सेपरेट करके देखना पड़ेगा, इसमें कुछ शॉर्ट नहीं है। चलिए अभी एक बार बोर्ड सेपरेट करके देखते हैं। जस्ट मैं ये लाइट हल्का सा ग्लो रिमूव कर ले रहा हूँ क्योंकि ये सेपरेट होने में जल्दी आसानी से सेपरेट हो जाए, इसीलिए थोड़ा बहुत ग्लो रहता है, इसी के लिए इसको कट करना रहता है लाइटली। गाइस अभी हमको लाइट ऐसा हमको फ्लक्स यूज करना है इसको, लाइट हम फ्लक्स यूज करेंगे। और अभी हम ये वाला ऑन कर दिए, उसको मैं 180 डिग्रीज रखता हूँ टेम्परेचर।
बजे साढ़े 5 बजे गाइस, इसे लाइट ऐसा शेक करके देखना है, हिला के देखना है। ओके गाइस, ये हिल रहा है। अभी हमको एक साइड से ऐसे करके आराम से सेव कर लेना है और भी ये बंद कर देना है इसे। अभी इसे फ़िलहाल के लिए बाजू रखते हैं और ये बोर्ड में शॉर्ट है या नहीं अभी चेक करते हैं हम लोग। गाइस, शॉर्ट तो इसी में है बट क्या शॉर्ट है अभी चेक करना है हम लोग को। तो हमको अभी रोजिंग करना है। हमको हीट एरिया किधर, यहाँ पर हीट हो रहा था, चलिए इधर हम रोजिन अप्लाई करते हैं। पूरा बोर्ड पे अप्लाई कर देंगे। जब रोजिन अप्लाई करते हैं तब हवा नहीं होना चाहिए गाइस, हवा की वजह से रोजिन उसके ऊपर फॉर्म नहीं होगा।
Okay guys, मैंने इस पे रोजन अप्लाई कर लिया है। चलिए अभी डीसी पावर सप्लाई इसको देते हैं और चेक करते हैं। यहाँ पर मैंने ग्राउंड को दे दिया एक, और इतना ही बैटरी प्लस को देगा। देखिए गाइस, इसमें छोटी वाली आईसी शॉर्ट दिखा रही है, और एक बार दिखाता हूँ मैं। ये देखिए, यहाँ पर दो चीज़ें हमको हीट हो रहे हैं, अभी देखते हैं। एक जो है ये यहाँ पर कैपेसिटर हीट हो रहा है गाइस, ये देख सकते हैं आप लोग। और एक वो आईसी, ये आईसी फ्यूज़ के जैसा काम करती है गाइस। तो ये आईसी अगर कोई दूसरा शॉर्ट है तो ये भी, ये लाइन का जो भी है शॉर्ट, तो ये भी हीट होता है। इसीलिए हमको पहले ये कैपेसिटर रिमूव करके देखना है। ये देख सकते हैं आप लोग, जैसे ये कैपेसिटर। और एक बार मैं आप लोग को अच्छे से दिखाता हूँ। रोजन अप्लाई करके फिर से आप लोग को दिखाता हूँ। देखिए गाइस, फिर एक बार आप लोग को दिखाता हूँ। मैंने वोल्टेज कम किया था इसीलिए वो ऐसे पहले हीट हुई थी इससे पहले। आप लोग देख सकते हैं गाइस, ये कैपेसिटर यहाँ का हीट हो रहा है। ये
ये वाला गाइस, इसे हम अभी रिमूव करते हैं। गाइस मैंने यहाँ का जो है रिमूव कर लिया है, ये यहाँ का एक कैपेसिटर मैंने रिमूव कर लिया है। ये देखिए, अभी मैं डीसी पावर सप्लाई इसको कनेक्ट करके देखता हूँ फिर से। गैस अभी तो शॉर्ट नहीं आ रहा है, आप लोग को दिखाता हूँ मैं। 3.8 वोल्टेज करके 3.8 करता हूँ। ये देखिए, इधर आप लोग देख सकते हैं, अभी मैं कनेक्ट कर रहा हूँ। ये ग्राउंड साइड करके दिखा रहा हूँ और ये पॉजिटिव साइड है। ये देखिए गैस, कुछ भी नहीं आ रहा है, इसका मतलब शॉर्ट क्लियर हो गया, इसका शॉर्ट गया। अभी ये सेट ऑन हो जाना चाहिए। चलिए अभी थोड़ा मैं इसे क्लीन करके आप लोग को दिखाता हूँ ऑन करके। गैस प्रॉब्लम छोटा सा ही रहता है, बट उसे फाइंड आउट करना होता है, थोड़ा पेशेंस ही रखना होता है ऐसे चीज़ में। पेशेंस ही बहुत इम्पोर्टेंट है। मैंने इधर क्यों निकाला है कि कभी इसमें भी शॉर्ट होता है तो डबल बोर्ड को हमको सेपरेट करने का ज़रूरी नहीं होता, तभी इधर और ये सेक्शन में ऊपर से ही बना दे सकते, इसलिए इधर का मैंने शील्ड ओपन किया है, क्योंकि यहाँ ये सेक्शन में हीट हो रहा था, इसीलिए उसमें कुछ गलती नहीं है, कर सकते आप लोग। चलिए गाइस, इसमें हमको बोर्ड को रख देना है ऐसे करके। ऐसे देखिए, ऐसे रख के ये चेक सेपरेट बोर्ड से चेक करने का टूल है। नेक्स्ट
इसका यही है, इसमें दो एक्सेस मैक्स का और एक्स का आता है, तो वो एक्सेस मैक्स का था। अभी मैंने इसको क्लिप में डाल दिया है, ये जरूरी नहीं है स्लाइड एरो डिस्प्ले लगा देते हैं। यहाँ पर वो टच भी चेक करना होता है तो उसको करना है, बट मैं डायरेक्ट डाल देता हूँ। और अभी मैं डीसी सप्लाई से इसे ऑन करता हूँ। इसके लिए हमको इसकी भी ज़रूरी है, पावर केबल की। पावर केबल नहीं है, चलिए मैं चार्जिंग से करता हूँ। 15 आईफोन एक्स की बैटरी दो बोलो। अभी मैं नई बैटरी है चेक करने के लिए, और मैं डिस्प्ले भी कनेक्ट कर लेता हूँ। गाइस मैंने बैटरी कनेक्ट कर ली है, चलिए अभी इसमें चार्ज कनेक्ट करते हैं, क्योंकि चार्ज कनेक्ट करने से पावर ऑटोमेटिक ऑन होता है ना, पावर बटन कनेक्ट नहीं किया इसीलिए। मैंने चार्ज कनेक्ट कर दिया है, ये देखिए गाइस मोबाइल जो है ना ऑन हो रहा है। आप लोग देख सकते हैं, देखिए गाइस मोबाइल ऑन हो चुका है। अभी ये टच नहीं वर्क करेगा क्योंकि मैं टच केबल नहीं कनेक्ट किया है, वो नीचे होता है इसीलिए। गाइस ये तो ऑन हो गया है, चलिए अभी इसके बोर्ड को फिर से अटैच करते हैं जो सेपरेट किया था हम लोग।
गैस फिर से हमको ये सोल्डर इसमें डाल देना है और मैं इसे रिबॉल नहीं करूँगा क्योंकि इसके बॉल्स पूरे अच्छे ही है, कुछ ख़राब नहीं हुआ है। अगर ख़राब हो गया है तो हमको रिबॉल करना होता है, बट मैं बिना रिबॉल किया इसे फिर से वापस जॉइंट कर देता हूँ। थोड़ा हमको आईपी से क्लीन कर लेना है, कहीं डस्ट नहीं हो, और इसे भी अच्छे से कर लेना है क्लीन। कितना अच्छा करेगा उतना अच्छा सोल्डरिंग होता है, वरना सोल्डरिंग नहीं होगा छोड़ देगा। देखिए ऐसे करके हमको अच्छा क्लीन कर लेना है इसे। अब हमको इसे ऑन कर देना है। फ्लक्स जो है पूरा थोड़ा ऐसा अप्ले कर लेना है लाइट लाइट। अभी हमको इसमें आराम से रख देना है। आराम से इसे सेट कर देना है गाइस। धीरे धीरे करके प्रेस करना है गाइस, लाइट प्रेस करना है। गाइस अभी बंद कर देना है इसे और लाइटली हमको बोर्ड को ये तरफ और ये तरफ ऐसे करके प्रेस कर देना है। प्रेस मतलब ज़्यादा प्रेस नहीं होगा, आराम से हल्का प्रेस करना है क्योंकि बॉल्स जॉइंट हो जाए।
इसको हमें एक फ्रेम से निकाल देने से थोड़ा जल्दी कूल हो जाएगा गैस, क्योंकि ये हीट रहता है ना। गैस पूरा अच्छे तरीके से सॉल्डर हो गया हुआ है पूरा, हमको एक बार क्लीन कर लेना है बोर्ड को। गैस अभी इसे फ्रेम में डालते हैं। गैस एक बार पूरे केबल्स कनेक्ट कर लेता हूँ मैं, और थोड़ा सा इधर क्लीन कर लेता हूँ, यहाँ पर फ्लक्स आया हुआ है। ओके गाइस, मैंने स्क्रू नहीं फिक्स किया है, बाद में करता हूँ, एक बार चेक करना है मुझे। पूरा फिक्स करने से पहले हमको चेक कर लेना बहुत अच्छा होता है, वरना डबल डबल काम हो जाता है। ये बैटरी में बिल्कुल चार्ज नहीं थी, अभी यही बैटरी को हमको चार्ज लगा के चेक करना है। ये देखिए गाइस चार्ज हो रहा है अभी। मिनट के लिए रख देते हैं इसे। ओके गाइस ये देखिए अभी चार्ज हो गया है, ऑन हो रहा है मोबाइल। गाइस मोबाइल ऑन हो गया है, और यहाँ पे सब पहले फेस आईडी का आ रहा था, अभी नहीं आ रहा है। ओके बट इसका टच भी ओके है, पासवर्ड क्या है हमको नहीं पता। ओके गाइस मोबाइल सक्सेस हो गया गाइस। ओके गाइस अगर ये वीडियो आप लोग को अच्छी लगी हो तो लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो। थैंक यू गाइस।